हेलो गाइस, मेरा नाम है स्पर्श और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियो। और ये वीडियो होएगी मेरे टाउन हॉल 7 वाले बेस पे, और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं डार्क एलिक्सिर फार्मिंग और जल्दी से अपना बारबेरियन किंग अनलॉक कर सकते हैं और इसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए मैं आपको अपनी आर्मी की एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या ट्रूप्स यूज़ कर रहा हूँ, उनका काम क्या है इस अटैक में, और ये पूरी एक्सप्लेनेशन कि ये अटैक कैसे होएगा। तो देखिए गाइस, 14 जायंट्स है। आप जानते हैं जायंट्स का काम होता है डिफेंसिस को टारगेट करना, तो वही काम है इनका इसमें भी, डिफेंसिस को टारगेट करना और बाकी मेरे ट्रूप्स जैसे आर्चर्स और गॉबलिंस हैं उनके बचा के रखना। यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैंने बारबेरियन क्यों नहीं बोला प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बारबेरियन का मेनली काम होएगा फनल में। बारबेरियन आपके आर्चर्स को डिफेंड करेंगे ताकि स्ट्रॉन्ग फनल हो सके और बाकी के आर्चर्स आपके सारे कोर में जा सकें। और वॉल ब्रेकर्स का काम डेफिनेटली वॉल ब्रेक करना है ताकि हम कोर में पहुंच सकें और आराम से डार्क एलिक्सिर ले सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने रिप्लेस की तरफ। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले रिप्ले के साथ। और इस रिप्ले में है ये टाउन हॉल 7 का प्लेयर मैक्स्ड है, बस वॉल्स थोड़ी अनमैक्स्ड हैं। और बारबेरियन किंग भी है इसके पास, लेवल 1 का ही है पर है, और क्लैन कासल भी है इसके पास कोर में, जिसकी थोड़ी सी रेंज है बाहर। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसके साथ क्या कैसे डील किया। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने एक बारबेरियन ड्रॉप किया, एक होल था यहाँ पे चेक करने के लिए कि क्लैन का सिम कुछ है या नहीं, और नहीं निकला। तो मैं जायंट्स यूज़ करूँगा अपने वॉल ब्रेक करने के। देखिए, दो जायंट्स फेंके मैंने, वॉल ब्रेकर को मोटा शॉट पड़ा और वो मर गए। लेकिन दोबारा मैंने दो करके वॉल ब्रेकर्स फेंक दिए दो दो के ग्रुप में, और सक्सेसफुल हुआ मैं वॉल तोड़ने में। और मैंने जायंट्स फेंक दिए हैं कोर में, हील किया है उन पे, और आर्चेस यूज़ किए हैं थोड़े फनलिंग के लिए। यहाँ पे फनलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, अगर आप स्किप करेंगे तो आप शायद फेल कर जाएंगे इस अटैक में डार्क एलिक्सिर लेने में। तो देख सकते हैं मैंने रेज किया अपने जायंट्स को और हील स्पेल भी यूज़ किया। गॉब्लिंस जब सीधा जाएंगे कोर में बिना किसी परेशानी के सारा डार्क एलिक्सिर ले लेंगे, और बस यही चाहिए। और गाइस ये ध्यान रखिए, ट्रॉफी माइंडेड मत रहिए, ट्रॉफी आप भूल जाइए अगर आप डार्क एलिक्सिर फार्मिंग कर रहे हैं बारबेरियन किंग के लिए। अच्छा खासा डार्क एलिक्सिर मिल जाएगा अगर आप ट्रॉफी माइंडेड नहीं रहे हैं और ट्रॉफीज लूज करने के लिए तैयार हैं। देखिए गाइस, काफ़ी अच्छा डार्क एलिक्सिर मिल गया हमें। इस आर्मी के हिसाब से चीप आर्मी है, ज़्यादा विजर्ड्स वगैरह कॉस्टली नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ठीक है 526 डार्क एलिक्सिर। और आप कोशिश कीजिए कि आप 400 से 600 के बीच में डार्क एलिक्सिर लेने की कोशिश करें, और मैक्स टाउन हॉल 8 के पास मत जाइए। अगर उनके पास एक्सपोज डार्क एलिक्सिर है जैसे फर्स्ट या सेकेंड कॉलम में, तो वो आप ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन कोर तक जाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। ओके गाइस, तो देखिए मुझे मिल गया है टाउन हॉल 7 का प्लेयर, अच्छा 500 डार्क एलिक्सिर है इसके पास भी। तो चलिए आगे अटैक में बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसे अटैक करूँगा मैं। टेस्लास पॉपअप हुआ है यहाँ पे, सिर्फ मैं अपने बारबेरियन और आर्चर यूज़ करूँगा डील करने के लिए इनके साथ। हो गए यहाँ पे, और अब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम अपने जायंट्स। पनलिंग की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं लगाई हैं इस बंदे ने। रेज करते हैं यहाँ पे अपने जायंट्स को ही स्पेल, होपफुली वॉल ब्रेकर्स ब्रेक कर जाएं। जी हाँ बिल्कुल, और अब क्लियर पाथ होएगा यहाँ पे गॉबलिंस के लिए कोर में जाना। स्प्लैश डैमेज बहुत है इसलिए ही स्पेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था यहाँ पे। अब यहाँ पे आर्चर्स यूज़ करते हैं अपना थोड़ा परसेंटेज वगैरह गैदर करने के लिए। बहुत ही ईजीली हमें मिल गया डार्क एलिक्सिर, बाकी बचा गया इसका, अच्छा उधर ही है कोर में, और आर्चर्स जा रहे हैं कोर में लेने के लिए बाकी डार्क एलिक्सिर। विक्ट्री भी मिल गई, लेकिन फिर भी गाइस मैं दोबारा रिपीट करूँगा, अब विक्ट्री पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ डार्क एलिक्सिर पे ध्यान दीजिए। और अगर आप हमारे कॉर्नर में देखें 6647 डार्क एलिक्सिर हो चुका है और 10,000 चाहिए सिर्फ बारबेरियन किंग के लिए, तो हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो मैं और थोड़े रिप्लेस दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। तो चलिए एक और लाइव अटैक में फटाफट से चलते हैं, इसे एंड करके। ओके
ओके गाइस, तो फाइनल बेस मिल गया है हमें टाउन हॉल 7 का। अब अगर राइट कॉर्नर में देखें तो 9432 है, और अगर मैं इसका 700 डाक एलिक्सर ले लेता हूँ तो मेरे पास बेरियन किंग लेने जितने डाक एलिक्सर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्लैन कासल इसका स्टॉल करते हैं, देखते हैं ल्यूर हो पाता है नहीं। कुछ नहीं, खाली है गाइस, खाली है। लेट्स गो, अटैक शुरू करते हैं अपन नॉर्मल वाला। फनलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं यहाँ पे कुछ खास। ये परफेक्ट, ओके देखते हैं गाइस क्या होता है। क्लोज क्लोज क्लोज, डबल स्पेल एंड आर्चर्स, लेट्स गो। ओके गाइस, वी गॉट इट 10,000 डाक एलिक्सर हो गया गाइस मेरे पास। सेटिस्फेक्शन, ओके गाइस। तो इस वीडियो का जो एम था बारबेरियन किंग को अनलॉक करना, 10,000 डार्क एलिक्सर चाहिए था हमें, 10,000 डार्क एलिक्सर उतना हमारे पास आ गया है। और अब मैं करने लगा हूँ बारबेरियन किंग को प्लेस। तो देखिए गाइस, बारबेरियन किंग हमने प्लेस कर लिया है, हमारे पास बारबेरियन किंग आ गया है। और अगर आपको भी चाहिए तो यही स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए बारबेरियन किंग लेने में। एंजॉय कीजिए, टेक केयर, बाय बाय।